नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराऊंगा। बहुत ही विशेष विषय पर आज चर्चा करूंगा और हो सकता है इस चर्चे में, इस जानकारी में मैं कुछ अशब्द भी बोल दूं जिसको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। इसके पहले, अर्थात वह शब्द बोलने से पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। चलिए ठीक है, मैं आप लोग को बताता हूँ। एक समय की बात, और हाँ, पूरी जानकारी के लिए आप ये पूरा देखिए। ये वीडियो के रूप में संदेश वायरल हो रहा है तो वीडियो पूरा देखिए, अगर ऑडियो आप सुन रहे हैं तो ऑडियो को पूरा सुनिए। तो एक समय की बात है, जब पेड़ों पर लड़कियां टांगी जा रही थी तब तुम्हारा बिरादरी प्रेम कहाँ था, समझिएगा बात को। बांदा में जब बुजुर्ग कुशवाहा को उसके खेत में जिंदा जलाया जा रहा था तब तुम्हारा बिरादरी प्रेम कहाँ था, तब तुम्हारे सामाजिक न्याय वाले बेहुदे कहाँ थे। जब उषा मौर्या की बेटी उज्ज्वला मौर्या की जमीन कैबिनेट मंत्री हड़प रहा था तब तुमने चौकाहे नहीं दिखाई, बात समझिएगा, फिर आप जो प्रश्न करेंगे उसका जवाब आपको मिलेगा। इतनी जो सोशल मीडिया पर तराने गा रहे हो ना, मुझे सब मालूम है किसकी वजह से। आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी तो राजनीति में 2014 के बाद प्रस्थापित हुए हैं, जरा उससे पहले समाज में, बात समझना, यानी जब केशव प्रसाद जी नहीं आए थे उसके पहले की मैं बात बताने जा रहा हूं, जरा उससे पहले समाज का कितना सम्मान था मालूम है मुझे। ढंग से जो अपनी सम्मानजनक हिस्सेदारी सीटों की डिमांड भी जो समाज नहीं कर पा रहा था, वह आज मुख्यमंत्री की डिमांड कर रहा। लोगों की इस मानसिकता और कॉन्फिडेंस का कोई सही हकदार है तो वो आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, मुख्यमंत्री की बनने के लायक। इसलिए मुझे मत सिखाओ आदरणीय श्री केशव के समाज को। लोग कहते हैं ना कि आदरणीय श्री केशव जी ने समाज को क्या दिया, अरे गाली दे के केशव जी को लोग कहते हैं, लेकिन धिक्कार ऐसे समाज के लोगों पर जो अपने समाज के नेता को गाली दे। हमारे समाज का कोई भी नेता हो किसी को गाली मत दो, चाहे कोई भी पार्टी में हो, सभी का समर्थन करो। इसलिए मुझे मत सिखाओ कि केशव के, मतलब केशव ने समाज को क्या दिया, तुम्हारी हैसियत क्या थी, यह भी मैं जानता हूं। लिखने लग गया तो आंखों से खून निकाल दूंगा। आज श्री केशव मौर्य के यूपी की राजनीति में प्रस्थापित होने से मौर्य कुशवाहा शाक्य सैन्य की अहमियत पूरे देश में स्थापित हुई है। तुम्हारे NRHM घोटाले वाले नेता जमाने भर से राजनीति कर रहे थे, समाज को शर्मिंदगी की अलावा क्या दिए हैं जानता हूं मैं। जिनके पिछवाड़े में ज्यादा आग लगे ना, तो वह अपने घोटाले के समर्थकों में गैर कुशवाहा मौर्य समाज के रेगुलर पोस्ट लिखने वाले सिर्फ 10 लोग का प्रोफाइल लिंक मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दें। मैं तुमको 100 गैर मौर्य कम्युनिटी, जिससे ओबीसी सवर्ण दलित तीनों शामिल हैं, ये लिंक तुम्हें दूंगा। रही स्टूल मंत्री बनने की बात, तो अप्रिय समाजवादियों वह देर से बैठक में आए थे और पिछली सीट पर स्वयं बैठ गए थे। जब लोगों का ध्यान गया तो मुख्यमंत्री और उपमंत्री अपनी कुर्सी खिसका ली और केशव जी खुद स्टूल लेकर आगे की पंक्ति में आ गए थे। जिस फोटो को दिखाते हो ना, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी थे, उनको क्यों फोटो से कट करके वायरल कर रहे हो। समाज के लोगों, विशेषकर मौर्य समाज के लोगों, मौर्य समाज में कुछ ऐसे आस्तीन के साथ छुपे हुए हैं जो मौर्य समाज को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और मौर्य समाज के नाम से संगठन चला रहे हैं। मौर्य समाज के पूर्वजों के नाम पर आप लोगों से मोटी रकम लूट रहे हैं, इन सबसे सावधान रहिए। और हाँ, अगर मौर्य होने के कारण उनको स्टूल दिया गया था तो स्वामी प्रसाद मौर्य को कुर्सी क्यों मिली थी, पूरी फोटो देखो, पोस्ट के साथ है। जो भी फोटो वायरल हो रहे हैं उसमें पूरी फोटो देखिए, फोटो कट मत कीजिए, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हैं। वहां किसी ने उनको नहीं बैठाया था, देर से आने के कारण स्वयं पीछे बैठे और शिष्टाचार के कारण उन्होंने किसी की कुर्सी खाली नहीं करवाई थी, क्योंकि
उनकी कुर्सी पर अन्य कैबिनेट मंत्री खाली होने के कारण बैठ गए थे। वह उठ रहा था, उसको उन्होंने बैठने का निर्देश दिया और स्वयं जिस स्टूल पर बैठे थे उसके समेत आगे आ गए। यह शिष्टता होती है, शिष्टाचार होती है, जो औरंगजेब की तरह बाप की कुर्सी पर जबरन कब्जा करने वाले के नेता के समर्थकों की समझ वहां तक जा ही नहीं सकती। क्योंकि शिष्टाचार घरों में सीखी जाती है, वैसे कांशीराम ने नेताजी को जमीन पर बैठा दिया था। कभी लोगों को बताइए, बताया हो कि नहीं? आज श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की वजह से मौर्य वंशी राजनीति स्तर पर अब तक अपने सबसे चरम स्तर पर है, वरना ऐसे अरे गहरे कितने नेता आए, कितने नेता गए, जो केशव प्रसाद मौर्य ने छवि बना दिया है मौर्य समाज का, वो किसी ने नहीं बनाया है। सब लोग केवल भ्रष्ट राजनीति करते हैं मौर्य समाज के नाम पर, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो। मौर्य समाज के लोगों, हमें पार्टी से कोई वैर विरोध नहीं है, ना ही किसी संगठन से वैर विरोध है। हमें अपने समाज में मजबूती चाहिए और समाज में शिक्षा का अभाव की पूर्ति, समाज में जो एकता नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जागरूकता नहीं है। जागरूकता क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे समाज में भ्रष्ट लोग हैं जो समाज को एकजुट होने देना नहीं चाहते। क्योंकि समाज जिस दिन जागरूक हो जाएगा, समाज के नाम पर जो ये दुकान खोलकर बैठे हैं, इनका दुकान बंद हो जाएगा। इसीलिए समाज को कभी सच्चाई नहीं बताते हैं। कृपया समाज के लोगों, सावधान रहो ऐसे लोगों से, ऐसे लुटेरों से। क्योंकि जब अपना सिक्का खोटा है तो दूसरों को दोष देने से कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए अपने आप को संभालिए, अपने अस्तित्व को पहचानिए, अपने मौर्यत्व को पहचानिए। मौर्य वंश अपने आप में ही भगवान है, अपने आप में ही सम्राट है, अपने आप में ही सब कुछ है। मौर्य वंश सर्वश्रेष्ठ है इस दुनिया में। जिसका ना कोई शुरुआत है, जिसका ना कोई अंत है, वही मौर्य वंश है। इसीलिए मौर्य समाज के लोगों, अपने आप को कभी छोटा मत समझिए, अपनी ताकत को पहचानिए। हमारे पूर्वजों की विचारधारा को लेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी महान बने, सभी लोग महान बने, तो क्यों ना हम भी उसी विचारधारा को फॉलो करें। हम भी उसी विचारधारा को फॉलो करें, हम भी उसी विचारधारा को माने, जिस विचारधारा को लेकर के ज्योतिबा राव फुले महान बने, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले महान बनी, उसी विचारधारा को हम क्यों नहीं मानते? ओरिजिनल मौर्य वंश, मौर्य वंश की ताकत को पहचानिए। मौर्य वंश ऐसा चीज है कि मौर्य वंश जिसे चाहे जब चाहे भगवान बना दे, और जिसे जब चाहे जैसे चाहे उनको तुरंत उनका अस्तित्व समाप्त कर दे। महामानव विश्वगुरु तथागत गौतम बुद्ध को दुनिया में कोई नहीं जानता था, लेकिन मौर्य वंश की देन है कि आज पूरी दुनिया में महामानव विश्वगुरु तथागत गौतम बुद्ध को दुनिया जानती है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य की देन है। और लोग कहते हैं ना कि अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, सरासर गलत है। सम्राट अशोक मौर्य बौद्ध मार्ग के संरक्षक बने थे कि विस्तार करो बौद्ध मार्ग को, हम सुरक्षा देंगे, कहीं भी रुकावट आएगी हम उसको समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन कुछ दुकान चलाने वाले लोग अपना मूर्ख बनाकर अपना जो दुकान चला रहे हैं, वो बताते हैं सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अनुयायी संरक्षक बने थे इस मार्ग के। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग जानते हो। और अपने आप को पहचानो, अपने ओरिजिनलिटी को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। सर्वश्रेष्ठ में आते हैं मौर्य वंश। इसमें मौर्य वंश को किस कैटेगरी में रखा गया है ये सब भूल जाइए। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानिए, सर्वगुण संपन्न, और हर एक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस अगले संदेश में कुछ और मैं बताऊंगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय मौर्य वंश। नमस्कार। सत्यमेव जयते। जय जय भारत। जय मौर्य वंश अखंड भारत। जय धरती जय भारत।